મેઘરાજ અને ધમાકેદાર બેટિંગ. ખડુદરા અઠવા ગેટ પીપલોદ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ. વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ. तो वलसाड में भारी वरसाद ने कारण वरसादी पानी भराई गया है. भागड़ा खुर्द गाम में तड़ाव थयो ओवरफ्लो. तड़ाव पानी गाम में फरी वरता स्थानिको परेशान. उपरवास में वरसाद ने कारण ओरंगा नदी की जल सपाटी वधी. वलसाड जिला में उपरवास में भारी वरसाद. वरसाद ने कारण औरंगापार दमणगंगा कोलक सहित की तमाम नदियों बे कांठे वही. वरसाद ने कारण 67 जेटला रस्ताओ थया बंद. नवसारी में मेघराज की धमाकेदार बैटिंग. खेरगाम में बे कलाक में पौना 3 इंच वरसाद वरस्यो. भारे वरसाद ने कारण जलाशय ओवरफ्लो थे. खेरगाम रस्ताओ पानी भरावा ने कारण बंद थे. नवसारी में वांसदा खेरगाम और गणदेवी में धोधमार वरसाद. बेलीमोरा में वरसाद वरसता स्थानिको थे परेशान. रस्ता पर खाड़ाओं कारण वाहन चालकों ने भारी मुश्किल. तो तापी जिला में सार्वत्रिक मेघमहर. जिला तमाम तालुका में जाम्यो वरसादी माहौल. जिला की तमाम नदियों बे कांठे वही रही है. पूर्णा अंबिका जाखरी मिंडोड वाल्मीकि नदी बे कांठे वही. लो लेवल पुल पर पानी परिवर्ता वाहन व्यवहार बंद कर. छोटाउदेपुर चलामली में धोधमार वरसादी माहौल. चलामली में मेघराजा की बैटिंग बाद रस्ताओ पर पानी वही निकलिया. वरसाद वरसता खेडूतों में खुशी माहौल. वलसाड जिला में आवेली ओरंगा नदी पोतानी भयजनक जड़ सपाटी वतावी छे. वलसाड ने भागड़ा खुर्द गाम ने जोड़ता रोड पर नदीना पानी फरी वळ्या. नदीना पानी फरी वळता वलसाडनी बंदर रोड बंद करवामां आव्यो छे. नीचाणवाळा विस्तारोमां अलर्ट अपायो. वडोदरा डभोई पालिकाए पानी आपवानुं बंद कर्युं. आज आखो दिवस कोईपण विस्तारमां पानी नहीं आपवामां आव्युं. ड्रेनेज अने पानीनी लाइन मिक्स थती होवानुं अनुमान छे. त्यारे डभोई नगरमां कोलेरा अने झाड़ा उल्टीना केस आव्या छे. शंकास्पद कोलेराना 15 अने झाड़ा उल्टीना 123 केस नोंधाया. तो दक्षिण गुजरात में सतत पड़ेला भारे वरसाद थी नवसारी की अंबिका नदी रौद्र स्वरूप सामने आव्यु छे. अंबिका नदी बन्ने कांठे वहता अनेक जग्याए अपायो अलर्ट. बिलीमोरा नीचावणा विस्तारों में भराया पाणी. देसरा वाड़िया सहित विस्तारों में पाणी भराया. नदी जलस्तर में वधारा थी थई शके छे मोटी समस्या. बनासकांठा जीवादोरी समान बनास नदी बे कांठे वहती थई. उपरवास में भारे वरसाद ने कारण नदी में नवा नीर की आवक थई. बनास नदी ओवरफ्लो थता ग्रामजनों वधावी स्थानिको में खुशीनो माहोल. नर्मदा में सरदार सरोवर डेम की जड़ सपाटी में वारो. डेम की सपाटी 14 मीटर पहुंची है. डेम में 76,000 क्यूसेक पानी की आवक थी. जड़ सपाटी में वारो. डेम में 39,000 क्यूसेक पानी की आवक. नर्मदा में करजण डेम की सपाटी में वारो. डेम त्रण दरवाजा खुली 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ायु. उपरवास में भारी वरसद ने कारण डेम में पानी की आवक. डेम पानी छोड़ाता करजण नदी बे कांठे वहती थी. तो छोटाउदेपुर बोडीली राजवासना डेम ओवरफ्लो थयो छे. उपरवास में भारे वरसाद ने कारण जलाशय ओवरफ्लो थया. भारे वरसाद ने कारण हिरण नदी में पूरनी स्थिति. तापी नौकाई डेम की जलसपाटी में वधारो. उपरवास में पड़ी रहे भारे वरसाद ने कारण नवा नीर की आवक. डेम में हाल 1,15,962 क्यूसेक पानी की आवक. उकाई डेम की सपाटी 331.30 फूटे पहुंची. पंचमहाल हड़प डेम भयजनक सपाटी की नजीक पहुंचो. उपरवास में भारे वरसाद से हड़प डेम की सपाटी वधी है. डेम रूल लेवल चढ़ावा हड़प नदी में पानी छोड़ाई रही है. डेम एक दरवाजो 0.15 मीटर सुधी खोली पानी छोड़ायु. हड़प नदी किनारा 5 गामों ने अलर्ट कराया. अमरेली में वडियानो सुरवो डेम में पानी की आवक. डेम की जलसपाटी 14.5 फूटे पहुंची है. आसपास नीचाणवाड़ा विस्तारों ने अलर्ट कराया. नदी की आसपास न जवा तंत्रए आपी सूचना. साबरकांठा विजयनगर रीडर रोड पर वृक्ष पड़ता वाहन व्यवहार खोरवायो. हाईवे पर भेखड़ पड़ी. आ साथ विजयनगर में मेन रोड पर वृक्ष पड़ता हाईवे ब्लॉक थी गयो. विजयनगर सारोली पेट्रोल पंप पास 52 मोटू वृक्ष पड़ता हाईवे पर सर्जायो हतो ट्राफिक जाम. आणंद में मुख्य मार्ग पर खाड़ा में कार फसाई. खाड़ो बेसी जता कार नु टायर फसाई गयु. खाड़ा नु सरखू पुराण न थयु होवाथी कार फसाई. अमदावाद में वस्त्राल में मस्त मोटो भूवो पड़ो. 15 दिवस पहला कामगिरी कराई त्यां फरी एक बार भूवो पड़ो. भूवा ने कारण वाहन चालकों में भयनो माहौल. वडोदरा में भूवो पड़वा सिलसिलो यथावत. मकरपुरा में कार खाबकी जाए तेवो मस्त मोटो भूवो. हल्की गुणवत्ता की कामगिरी करवामां आवता भूवो पड़तो होवानो आक्षेप. मुख्य मार्ग पर भूवो पड़ता वाहन चालकों ने मुश्किल. भरूचना नवाडेरा जवाना मुख्य मार्ग पर जर्जरित मकान धराशय थयु. पालिकाए जूना भरूचनो मुख्य मार्ग बंद कर्यो. मकान धराशयनी घटना में जानहानि टळी छे. वलसाड़ पारडी में नवनिर्माण ब्रिज नो पिलर धराशायी. ब्रिज पिलरों नीचे की माटी धोवाई जता पिलर धराशायी. अधिकारियों की बेदरकारी ने लईने उठ्या अनेक सवाल. वडोदरा में डीजे अवाज ने कारण बालकनी तूटी है. विवेक एपार्टमेंट में बालकनी तूटी. त्रीजा माड़ी बालकनी बीजा माड़ शेड पर पड़ी. घटना में कोई जानहानि समाचार नहीं.
રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં આજથી ભારે વરસાદની આગાહી. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, નવસારી, વલસાડ માટે વરસાદનું રેડ એલર્ટ. પાટણ, મહેસાણા, સુરત, તાપી, ડાંગમાં ઓરેન્જ એલર્ટ. તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, અરવલ્લીમાં યલો એલર્ટ. આવતીકાલે નવસારી અને વલસાડમાં રેડ એલર્ટ. રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કરી વરસાદની આગાહી. પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ડાંગમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના. તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી. મહારાષ્ટ્રના મરીન ડ્રાઈવ ખાતે આવેલા દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળ્યો. દરિયામાં મોટા મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા. મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા. હવામાન વિભાગ મુજબ મુંબઈમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે. મહારાષ્ટ્રના પીપરી, ચિટવાડ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે પવાના નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે. નદીના પાણી મોરિયા ગોસાવી ગણપતિ મંદિરમાં ઘૂસી ગયા છે. મંદિર પરિસરમાં પાણી આવી જતા ભક્તો માટે મંદિર બંધ કરાયું. જમ્મુ કાશ્મીરના ગંદરબલ જિલ્લાના ચેરવાંગ કંગન વિસ્તારમાં વાદળ ફાટ્યું. દુર્ઘટનાને પગલે ખેતરમાં પાકને નુકસાન થયું. આ સાથે જ કેટલાક વાહનો કાટમાળમાં દબાઈ ગયા તો કેટલાક લોકોના ઘરોમાં કાદવ ઘૂસી જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. ઉત્તરાખંડના સોનપ્રયાગમાં ભારે વરસાદને કારણે તબાહી મચી છે. અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોના મોત થયા છે. કેટલાક સ્થળો પર ભૂસ્ખલનની સ્થિતિ સર્જાતા કેદારનાથ જતા અનેક શ્રદ્ધાળુઓ ફસાયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. ઉત્તરાખંડ બાદ હિમાચલ પ્રદેશમાં વાદળ ફાટતા તબાહી. શિમલા અને કુલ્લુમાં શ્રીખંડ મહાદેવ પાસે વાદળ ફાટ્યું. દુર્ઘટનામાં 50થી વધુ લોકોના મૃત્યુની આશંકા. તો સમગ્ર વિસ્તારમાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું. હિમાચલ પ્રદેશના રામપુરમાં સમેચમાં વાદળ ફાટતા તબાહી છે. ચોથા દિવસે પણ ફસાયેલા લોકોને શોધવા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ. જેસીબી મશીનથી કાટમાળ ખસેડીને કરવામાં આવી રહ્યું છે રેસ્ક્યુ. બચાવ કાર્યને ઝડપી બનાવવા સેનાએ બનાવ્યો હંગામી પુલ. હિમાચલ પ્રદેશના લાહોલ સ્પીતિના ચિક્કા ગામમાં વાદળ ફાટતા ભારે તબાહી મચી. નદીમાં પૂરને કારણે મનાલી લદાખ હાઇવે ધોવાઈ ગયો. આ સાથે જ નદી પરનો કોફતા નામનો બ્રિજ પણ પાણીના તેજ પ્રવાહમાં ધોવાઈ ગયો. નુકસાનીના ભયાનક દ્રશ્યો ડ્રોન કેમેરામાં કેદ. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે વરસાદને પગલે દુર્ગાપુર બેરેજમાં પાણીની પુષ્કળ આવક થઈ છે. દુર્ગાપુર બેરેજમાંથી 69,825 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. પાણી છોડાતા આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને એલર્ટ કરી દેવાયા.